भी हो जाए, अपना डेली का टारगेट लेकर काम करो। मैंने आपको कुछ मेरी टिप्स बताती हूँ कि मैंने इस बिजनेस में ग्रोथ कैसे ली, मैं कैसे आगे बढ़ी, ताकि आप लोग भी उसको अप्लाई करके आप भी आगे बढ़ सके। सबसे पहली चीज, मैंने हमेशा पॉजिटिविटी पे फोकस किया। मैं पॉजिटिव रहती थी और मैं आज भी पॉजिटिव रहती हूँ। मेरा चाहे काम चले चाहे ना चले, मेरा काम हो चाहे ना हो, मुझे चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे मुझे कुछ भी बोलकर जाए, मैं पॉजिटिव रहने में बहुत ज्यादा बिलीव रखती हूँ। और ये चीज मैंने सीखी मेरे अपलाइन से। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको पूरी चीज बताती हूँ। ठीक है, जब तक मैं AS थी ना, अभी तो मैं 6:30 बजे उठती हूँ सुबह, और रात को मैं 12:30 बजे सो जाती हूँ। अभी तो मैं ये रूटीन फॉलो करती हूँ, लेकिन जब मैं AS थी तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी, 5 बजे 5:30 बजे में उठ जाती थी, और रात को मैं 2-2:30 बजे तक मैं मेडिटेशन करती रहती थी। मैंने AS लेवल पे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, क्योंकि उस टाइम पे हमें दो चीज सिखाई गई थी कि जितनी ज्यादा आप इन्विटेशन करोगे, जितनी ज्यादा आप लर्निंग करोगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। ये चीज हमको उस टाइम पे सिखाई गई, तो मैंने इसी चीज को फॉलो किया था। मैं दिन भर इन्विटेशन करती थी, मैं दिन भर तो नहीं बोलूंगी, बट सुबह शाम में लर्निंग किया करती थी, और जिसकी वजह से आज मेरे पास नॉलेज है, जिसकी वजह से आज मैंने खुद को बिल्ड किया, जिसकी वजह से आज मैं ग्रो कर पा रही हूँ। तो सिंपल सी चीज मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूंगी कि अपनी ना डेली की टू डू लिस्ट बनाया करो कि मेरे को पूरा दिन क्या काम करना है। अपने ना बिजनेस को ट्रैक करना शुरू कर दो कि मैंने पूरे दिन में क्या काम किया, मैंने 2 दिन में कितना काम किया, मैंने 3 दिन में कितना काम किया। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोलूं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूँ, जब आप लोग काम करते हो ना, आप एक पता है पोमोडोरो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि आप 45 मिनट्स काम करो, 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 45 मिनट्स काम करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो, खाना पीना खा लो, इस तरीके से काम क्या करो, आपका टाइम ना बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज होगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आपका डेली का टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक सोने को ही नहीं है। सिंपल सा माइंड सेट कर लो। मैंने बोला कि मैं 12:30 सो जाती हूँ, लेकिन अगर मेरी भी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होती, मैं नहीं सोती। मेरा टारगेट था कि मेरे को आज के, मैं डेली का टारगेट लेके चलती हूँ कि मेरे को 2 रेगुलर पार्टनर करने हैं। एक रेगुलर पार्टनर हुई मेरी 8:30 बजे, और एक रेगुलर पार्टनर हुई मेरी सुबह, एक सुबह 12:30 बजे मेरा रेगुलर पार्टनर हुई, लड़की लड़का था, और एक रेगुलर पार्टनर लड़की, वो मेरी रात को 8:30 बजे हुई। मतलब मैंने मेरी टू डू लिस्ट का आज का काम कंप्लीट कर लिया। और जिस दिन आप लोग अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट करके सोगे ना, इतना सुकून आएगा आप सोच भी नहीं सकते। बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगी जो मैं हर लड़की को बोलना चाहती हूँ कि खुशी से काम करना, और काम ऐसे करना कि मेरा बिजनेस है। अपने बिजनेस की और अपनी सीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आपका अपलाइन नहीं लेगा, अपलाइन आपको बिजनेस में लेकर आ गया। और आज के बाद ना ये गलती से भी नहीं बोलना कि सर मैम मेरे से हो नहीं पा रहा या मैं कर नहीं पा रही, क्योंकि मैम ने बोला ना, मंजू मैम ने, कि मैनेजर बनोगे तो आप बनोगे, लेट होगा भी तो आपका होगा, बनने वाला तो बन के निकल जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर आप नहीं बनोगे तो कोई और बनेगा, अगर आप नहीं सुपरवाइजर कर रहे क्या कोई और नहीं बन रहा, अगर आप AM नहीं कर रहे क्या कोई और AM नहीं बन रहा, अगर आप मैनेजर नहीं बन रहे क्या कोई और मैनेजर नहीं बन रहा, अगर हम सीनियर नहीं बन रहे तो क्या और कोई सीनियर नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो लेवल है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, और आपके लेवल के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपके लेवल्स के लिए आपको दिन रात जागने पड़ेंगे, आपके लेवल्स के लिए आपको प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा, और आपके लेवल के लिए आग ना आपके अंदर लगनी चाहिए, आपके लेवल के लिए बर्निंग डिजायर ना आपने अपने अंदर बिल्ड करना है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, जो लोग ठंडे पड़ चुके थे ना ये सोचकर कि मेरे से काम नहीं हो पा रहा या मैं काम नहीं कर पा रही, उनको सिंपल सी चीज मैं बोलूंगी, आज से ना काम नहीं हो पा रहा तो बोलना ही छोड़ दो, ये बोल दो, अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो कोई नहीं कर सकता, खत्म। मैं तो सिंपली बोलती हूँ, अगर मैं मैनेजर नहीं बनी तो कोई और बन ही नहीं सकता कभी, मैं क्यों नहीं बनूंगी, मेरे अंदर कमी क्या है, सीखती डेली हूँ, मैं इनविटेशन डेली करती हूँ, काम मैं डेली करती हूँ, मेरा काम क्यों नहीं बढ़ेगा, मेहनत करूंगी तो काम भी बढ़ जाएगा। सेम चीज मैं आपसे बोलूंगी, मेहनत करना और सही तरीके से मेहनत करना दोनों में फर्क होता है, इस चीज को लाइफ टाइम ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपके अंदर हिम्मत 2 CC करने की है ना, अगर आपके अंदर हिम्मत बिजनेस को स्टार्ट करने की है, तो मिलियन टाइम बोल सकती हूँ आपके अंदर हिम्मत सिर्फ मैनेजर बनने की नहीं, आप डायमंड बनके चमकोगे एक दिन। बस खुद पे भरोसा रखना, क्योंकि दुनिया तो ना तोड़ने के लिए बैठी हुई है आपको, बस ट्रस्ट आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, भरोसा आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना, आप लोग बहुत ही लकी हो कि आप इतनी वंडरफुल सोसाइटी का पार्ट हो जिसका नाम है ईगल क्लब 23, कि लड़कियों के लिए कितना सोचा जा रहा है कि आपके लिए पर्सनल सेशन किया जाए। और जो लड़के आपको परेशान करते हैं ना, किसी के सगे नहीं होते और आपकी भी कभी जिंदगी में सगे नहीं हो पाएंगे, इस बात को लाइफ टाइम ध्यान रखना। तो आपने सिर्फ फोकस करना है अपने ऊपर, आपने सिर्फ फोकस करना है अपने लेवल के ऊपर, आग लगा लो करने की, आग लगा लो भाई, 10 दिन रहते हैं जी जान एक कर दूंगी, बट सिर्फ काम पे फोकस करूंगी, चैलेंजेस पे नहीं। जो मैंने 20 दिन पे नहीं किया ना, जो मैंने 20 दिन में नहीं किया ना, इन 10 दिनों में करके दिखाना है आपको। कौन कौन प्रॉमिस करता है कि मैं करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और मैं तो कसम से बोल रही हूँ, मैं रुकने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, क्योंकि इस बिजनेस के लिए मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ी, इस बिजनेस के लिए मैंने मेरे घर वालों को छोड़ा, तो बिजनेस को तो छोड़ना नहीं, चाहे दुनिया को भेजो छोड़ना पड़ जाए, करना है तो करना, बंद कर दिखाना है। और ये प्रॉमिस ना खुद से आप कर लो कि मैंने नहीं रुकना, चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी बोलता रहे, मैं करने के लिए आई और करके दिखाऊंगी। और जो लोग बोलते थे ना कि तेरे से नहीं हो सकता, उनके मुंह में ऐसा तमाचा मारना वो अपनी कामयाबी का, तूने बोला था ना नहीं कर पाऊंगी, करके दिखाया मैंने तुझे, बिल्कुल मंगता है तो मंगता है।
ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी आज से आग लगा लो करने की, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है, करना है तो करना है, करना है तो करना है, जुलाई में सक्सेस दे। मैं यही बोलना चाहूंगी इस सेशन में बैठी हुई हर लड़की, अपने लेवल को अप करके आना और लड़कों से भी आगे निकल के दिखाना, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियां हर फील्ड में आग लगा रही है, फॉरेवर में जो आग लगा रही है वो भी लड़की है, तो हम भी लड़कियां, हम भी किसी से कम नहीं, हम भी कर सकती हैं। ठीक है, खुद से प्रॉमिस कर लो, अपने अपलाइन से फटाफट से एक काम करो, आपकी जो भी फर्स्ट मैनेजर है उनको प्रॉमिस का मैसेज करो, सर प्रॉमिस करती हूँ आज से चैलेंज पे नहीं, प्रॉब्लम पे नहीं फोकस करूंगी, सॉल्यूशन पे फोकस करूंगी, आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी सर हो नहीं पा रहा, यही बोलूंगी कुछ भी करना पड़े पर मैं करूंगी। फटाफट से आप लोग टाइप करके बताइए, अपने अपने अपलाइन को जरूर प्रॉमिस का मैसेज करना कि करूंगी करूंगी करूंगी। और मैं चीज बोलना चाहूंगी, मेरे बाद जो नेक्स्ट होस्ट आने वाली है ना, क्योंकि मैंने उनकी, जब मैं बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन ले रही थी उस टाइम पे, हम ना मैम की टेस्टिमनी सुना करते थे, हम मेरे को मेरे अपलाइन बताया करते थे आप इतनी प्रॉब्लम से डर जाती है, आपको पता है प्रोमिला मैम ने, मीनाक्षी मैम ने कितनी प्रॉब्लम फेस करी, दोनों रियल सिस्टर्स हैं, जितनी प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी किसी भी लड़की ने फेस नहीं करी होगी, जब मैंने सुना कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम फेस करी है तब लगाया हम तो कुछ भी नहीं है, और लिटरली बोल रही जितनी प्रॉब्लम मीनाक्षी मैम ने इस बिजनेस को ग्रो करने में, इस बिजनेस में आगे बढ़ने में फेस करी, जितनी ज्यादा मेहनत करी अपनी बहन को आगे लेकर आने में, उतनी मेहनत एक सिंगल लड़की ने नहीं करी होगी यहाँ पे। और मीनाक्षी मैम को हर तरीके से प्रॉब्लम आई थी, हर जगह से प्रॉब्लम आई थी, बट वो रुकी नहीं, और आज देख लो कौन नहीं जानता दोनों सिस्टर्स को, हर हर इंसान जानता है कि आप पोटलिया सिस्टर्स को ही हैं, उनकी टेस्टिमनी न जाने कितने लोग दिखाते हैं, हमारी सोसाइटी को छोड़ो न जाने कितने दूर दूर के लोग उनकी टेस्टिमनी को यूज करते हैं। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आप में से कितने लोग हैं जो मीनाक्षी मैम को सुनने के लिए एक्साइटेड है, एक बार चार्ज को एवरीवन कर दे, इवन मैंने